ne ho fatte. आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर आरके सिंह सर, आदरणीय विजय भाई और मंचपुर उपस्थित सभी मान्यवर, सबसे पहले मैं सबकी क्षमा चाहता हूँ देरी होने की वजह से। आप सभी को मालूम है कि अपने देश के प्रधानमंत्री पहली बार कल्याण में अपने कल्याण में आ रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरे पास है, इसलिए पूरा दिल्ली से कॉल रहा है कि उनके साथ अलग अलग मीटिंग की वजह से आने के लिए मैंने परमिशन ली थी विजय भाई से। विजय भाई ने बोला था आपको आना है। सच में जैसे आप लोग इस पुस्तक प्रकाशन के लिए आए, जैसे सिंह साहब ने बताया कि यह हॉल का एक्चुअली छोटा पड़ गया, मुझे लगा था तो कार्यक्रम खत्म हुआ होगा, पर इस कार्यक्रम के लिए सभी जन इतनी बड़ी मात्रा में आए। हम सभी को मालूम है कि जब जब विजय भाई हमसे बात करते, भाषण करते, चर्चा करते, तो हमको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और इनके और इतने सारे किस्से, इतने सारे एग्जाम्पल, इतने सारे उदाहरण है। अभी मैं पुस्तक देख रहा था तो उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी है, और सच में हम सभी को वो काम आने वाले अपने निजी जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक कार्य के लिए, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल्स कम रहते, हम लोग आदर्श ढूंढते रहते, अच्छे एग्जाम्पल्स के बारे में लोग चर्चा नहीं करते, पर आज विजय भाई ने जो एग्जाम्पल्स इस किताब में दिए है, मतलब हर एक पाठ का दिया है, ईमानदारी के ऊपर लिखा है, भरोसे के ऊपर लिखा है, ऐसे अलग अलग विषय जो हमारे व्यवहार में आते हैं उसके बारे में लिखा है, वो सचमुच हम सभी को व्यवहार में सामाजिक काम करते समय या निजी काम करते समय वो काम आने वाली ऐसी अच्छी किताब लिखी है। मेरे तो वो पालक है ही, सिंह साहब भी मेरे पालक है, उन्होंने शुरुआत में जो बताया कि नरेंद्र मोदी पावर जो मेरा प्रोडक्ट है, मतलब मेरे इस आमदारगी में उन्होंने तो खुला चैलेंज दिया था, आप सभी को मालूम है, कभी किसी को डरते नहीं है, उन्होंने खुला चैलेंज दिया था कैंडिडेट को और मेरे को, कैसा उन्होंने पूरा चुन के आने के लिए, तो इतना सिंपल मैं विधायक बना, सिंपल बात नहीं जान, सभी को जानते शिवसेना का इतना बड़ा गढ़ है, शिवसेना के इतने बड़े कॉर्पोरेटर है, उसके बावजूद भी आपने चुन के आना इतना सिंपल नहीं है, पर सिंह सर जैसे वही तो बोल रहा हूँ ना, वही तो बोल रहा हूँ और सिंह साहब की सचमुच एक अच्छी बात है, उन्हें कभी भी पक्षपात नहीं किया, कोई भी पक्ष का आदमी उनके पास गया तो उन्होंने सबका काम किया, मतलब मंच पर जितने भी लोग बैठे सभी का यही व्यवहार रहा, और मैंने उन्हीं से यह सीखा, और मैं भी मेरे पास जो भी इस पक्ष का आता है कभी भी ना नहीं बोलता, आप सभी का अनुभव शायद मेरा वही रहेगा। आज इस कार्यक्रम के लिए आप सभी ने समय निकाल के आया, इस पुस्तक विमोचन के लिए मुझे थोड़ी देर हुई, और अध्यक्ष जी ने उनके बाद में भी मुझे भाषण करने का 5 मिनट और करो गणपतार मुझे भाषण करने की आदत नहीं है, मुझे आप लोगों में मैं गपचप अच्छा कर सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, पर भाषण करने की कॉन्ट्रैक्ट हमने सिर्फ विजय भाई को दिया है, तो 5 मिनट नहीं, 50 मिनट और 1 सेकंड भी ऐसा हमको नहीं लगता कि अभी उन्होंने रुकना चाहिए करके, इतना बढ़िया भाषण में जब विद्यार्थी परिषद का काम करता था तब से उनको मुझे लगा था ये आरएसएस से है क्या, इतनी बढ़िया संस्कृत में भाषण करना, संस्कृत में बोलना, इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देना, मुझे विद्यार्थी परिषद में काम करता था जब 11 में था तब से मैं विजय भाई का सचमुच फैन हूँ, और आज तक उनका आशीर्वाद रहा, उनके अलग अलग जो प्रोग्राम रहते
उस प्रोग्राम में भी अपने कल्याणपुर के आमदार रंपा से गायकवाड़ आए, उनका तालियों से स्वागत करेंगे। अभी आगे रंपा से धो खत्म ना। तो विजय भाई के मार्गदर्शन से सचमुच हम लोग सब प्रभावित हैं। विजय भाई ने एक अच्छा संस्कार हम सभी को दिया है। मतलब अभी भी सिंह सर ने जो उनके बारे में जिक्र किया, उन्होंने जो जो आप प्रोग्राम लिए बच्चों की पढ़ाई के बारे में रहने दो, जो गरीब उनको महीने का अनाज देने का विषय रहने दो, जो जो बात उन्होंने इस कल्याण में लिए उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, उनको बहुत अच्छा सपोर्ट हम सभी को मिलता है। और उनका एक खासियत है कि वो सबको साथ में लेके चलते, सबको इन्वॉल्व करके, मतलब वो क्या होता है, आशीर्वाद अकेले नहीं पाते, आशीर्वाद सबको बांटते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी चीज विजय भाई के बारे में है और मैं इस प्रोग्राम के अनुसार उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस पुस्तक सचमुच सबने पढ़नी चाहिए, मैं तो खुद पढ़ूंगा सर, मेरे पढ़ने में मुझे समय नहीं मिलता है, पहले व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते थे वो पढ़ने को समय नहीं मिला। पुस्तक मैंने जब देखा तो ऐसा लगा कि पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे किस्से हैं, छोटी छोटी बातें वो समझ में ध्यान में भी। अभी एक किस्सा मैंने उसमें से पढ़ा कि पिताजी ने एक लड़के को कुराड़ी दी और उसको वो बाहर गया, तो वो बाहर जाने के बाद कुराड़ी से पेड़ काटते काटते गया, बराबर ना। तो फिर बाद में ध्यान कर रहे बगीचे के इतने पेड़ किसने काटे, तो मालिक को बुलाया, सबको बुलाया, तो मालिक ने हमने तो काटे, हम लोग बगीचे के रक्षण कर हमने काटे। तो उससे बच्चे ने आगे बोला कि हाँ ये पेड़ मैंने काटे, तो तुमने क्यों काटे, तुमको समझ नहीं आता मैंने इतना नुकसान किया, तो आपने मुझे कुराड़ी मुझे ध्यान भी नहीं, पर आप ध्यान रखो इसके आगे आप कुराड़ी के इस बार पेड़ काटने के लिए मत करना। और वो आदमी कौन था, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जी, मतलब ये एग्जांपल ऐसा है कि आदमी भी ध्यान में आने के लिए हमें एकदम सिंपल, मतलब आप भी मैंने दो मिनट में नहीं हुआ पढ़ के वो बातें भी मालूम थी, इसलिए वो सबको और हम लोग बताने के लिए भी बच्चों को भी हम लोग बताने, वो कार्टून में मोबाइल में व्हाट्सएप में फेसबुक ज्यादा बिजी रहते, हमारे माता जी बहने वो भी बिजी रहते, हम लोग भी बिजी रहते मोबाइल व्हाट्सएप चैटिंग में। पर अगर ये पुस्तक पढ़ेंगे और हम लोग हमारे बच्चों को शेयर करेंगे तो उनको भी एक अच्छी प्रेरणा मिल सकती है। एक ऐसा अच्छा बुक यहाँ पर विमोचन हुआ है, मैं विजय भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद।